सिंगापुर यानी सिंहों का पुर, इसे सिंहों का शहर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सिंगापुर की कुछ रोचक बातें। तो स्वागत फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस नॉलेज में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है, जो 682.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यूएसए की तुलना यदि सिंगापुर से की जाए तो यूएसए सिंगापुर से 15,000 गुना बड़ा है। 21 सितंबर 1965 को सिंगापुर यूनाइटेड नेशन का 117वां सदस्य बना। सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल वांडा मिस जोकोम है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1993 में एग्नेस जोकोम नाम के एक आर्मेनियन ने की थी। दुनिया में इस सिंगापुर को छोड़कर एक और सिंगापुर भी है। मशीगन के प्रसिद्ध भूतिया शहर का नाम भी सिंगापुर ही है। द नाइट सफारी नाम का दुनिया का पहला रात में खुला रहने वाला चिड़ियाघर भी सिंगापुर में ही है। दुनिया का सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्किड गार्डन सिंगापुर के बॉटनिक गार्डन में ही पाया जाता है। 10 में से 9 सिंगापुरी लोग सार्वजनिक घरों में रहते हैं। 80% सिंगापुर के लोगों के पास अपना खुद का फोन है, बल्कि काम करने वाले बहुत से लोगों के पास तो दो फोन हैं, एक निजी उपयोग के लिए और दूसरा काम के लिए। सिंगापुर में तकरीबन 3000 किलोमीटर के रोड बने हुए हैं, जो अंत तक फैले हुए हैं। यह रोड सिंगापुर से हांगकांग तक बने हुए हैं। सिंगापुर के सबसे प्रसिद्ध और सामान्य चीनी तान यानी उपनाम ली और लिम है। सिंगापुर के ज्यादातर लोगों का जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ है। वायोलिन बजाने वाली वेनेसा माई निचोलसन पॉप संगीत के लिए जानी जाती थी। वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक वायलिन में ही पॉप संगीत को बुनती थी। उनका जन्म भी सिंगापुर में ही हुआ और 4 साल की उम्र के बाद वह इंग्लैंड गई। 1997 के कैंसस फिल्म फेस्टिवल में दर्शाई जाने वाली पहली सिंगापुरियन फिल्म एरिक खू की बारह स्टोरी थी। 30 सितंबर 2000 को दुनिया की सबसे लंबी मानव डिनो श्रृंखला का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगापुर में ही बनाया गया, जिसे 9,234 विद्यार्थियों ने मिलकर बनाई और वह 4.2 किलोमीटर लंबी थी। उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तुलना में सिंगापुर के बुटिक तिमाह प्राकृतिक रिजर्व में पेड़ों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सनटेक सिटी के टावर्स हाथ की हथेलियों के आकार के बनाए गए हैं, जिसे फेंग शुई में काफी अच्छा और लाभदायक बताया गया है। 1982 में स्विमर एंग पेंग सियोंग ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में दुनिया के पहले नंबर का खिताब अपने नाम किया था। सिंगापुर सर्वाधिक मौत की सजाएं सुनाने जाने वाला देश है, जहां तक ज्यादातर मौत की सजाएं ड्रग डीलर से जुड़ी हुई होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी सिंगापुर की सनटेक सिटी के हृदय में है। 1997 में इसे बनवाने में तकरीबन 6 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा लगा था। मई 2002 में लाइन डांसिंग में सर्वाधिक सहभागी होने वाले लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिंगापुर के ही नाम है। उस समय इसमें 11,967 डांसर ने भाग लिया था। सिंगापुर की कोई भी इमारत 280 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती। वर्तमान में इतनी ऊंचाई वाली यहां पर 3 इमारतें हैं, ओयूबी सेंटर, ओयूबी प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा। सिंगापुर में सर्वोच्च कमाई करने वाली फिल्म 2014 से पहले अवतार है, जिसने 2009 में 10.65 मिलियन डॉलर कमाए थे। सिंगापुर का सर्वोच्च प्राकृतिक बिंदु बुटिक तिमाह पहाड़ी है, जो केवल 164 मीटर ऊंची है। सिंगापुर में खेत और कृषि की कमी होने के बावजूद सिंगापुर दुनिया सजावटी मछलियों का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश है। सिंगापुर के मुख्य द्वीप के पुलाव उम्बी द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी उड़ती हुई लोमड़ी पाई गई, जिसके पंखों का फैलाव 1.5 मीटर है। सिंगापुर का राष्ट्रगान उनके $1,000 के नोट पर एकदम छोटे अक्षरों में लिखा गया है। क्या आपने इससे पहले देखा है? समुख्य द्वीप के अलावा सिंगापुर में 63 छोटे द्वीपों का भी समावेश है। यहाँ के ज्यादातर द्वीपों पर कोई नहीं रहता। दुनिया के 3 जीवित शहर राज्य देशों में से सिंगापुर एक है, क्योंकि सिंगापुर की कोई राजधानी नहीं है। सिंगापुर के अलावा दूसरे 2 शहर मोनाको और वेटिकन सिटी है। सिंगापुर के पास दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी याकुल्ट बोतलें हैं और साथ ही यह सबसे महंगी भी है। प्रिय फ्रेंड्स, सिंगापुर की कुछ रोचक बातें।